आनंद नहीं है, वही वहाँ बहुत है। ये कथा बाद में बताऊंगे। तो हमने कहा भाई आप गुरु हैं या तो टीचर भी हैं और पढ़े भी हैं क्या? मैंने कहा दीक्षा लेते हैं ना, वो निर्जय नाम की मुझसे बात करते कभी कभी। बैठे हुए सुन रहे हैं कि मैं हवा में उड़ अपने आप को ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ पे गुरु सतगुरुदेव कब कब है? 1987-88 64 64 ये पहले पूरा हुआ जी। जरूर महीना है और हम लोग यहाँ घर पर अपने आप यहाँ खड़ा था। हमारे माँ जी यहाँ बैठी थी, बच्चे सब घूम रहे थे। फिर आते हुए यहाँ तक आए, बोले कि मैं आ चुका हूँ, जाना नहीं है। इतना बोला मैं विश्वास गया गेट तक, मैंने कहा विश्वास नहीं तब मैं सुने पर बोला इस तरह से। उसके बाद फिर माँ बोली देखो कौन है, नाम बोलूँ भी चेहरा देखा कि चारों तरफ ढूंढा उसे, क्योंकि उसको मैंने कहा चल जाएगा दूध पिए कम से कम बिना के, क्योंकि मन है तो ढूंढना ही है। हाँ तो ढूंढने का ये जिससे हमारे संप्रदाय भारत यहाँ यहाँ पे यहाँ लगता है क्योंकि जगह वही है। केशवानंद जी का चरण यहाँ पे यहाँ तक ही आए थे, उसके बाद फिर वो चले गए थे। और 64 में इसे आने के बाद तो दीक्षा आप 86 में ली। हाँ 21 साल जो 21 साल बोला सतगुरुदेव यहाँ तक आए हुए थे और हम लोग भी दर्शन कर चुके हैं और हम लोग चले हैं घर की ओर। जय नमो नमः। कैसा लगा भेंट मुलाकात हो गया? यही घर है सेवाराम जी का पूरा। अब हम लोग दूसरे गेट से बाहर की ओर निकल रहे हैं। उस गेट का तो आपने देख ही लिया था और ये दरवाज़ा है। इधर से किधर की ओर जाना है हम लोगों को? बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, बाएं सीधा जाएंगे, उसके बाद वो चौक मिलेंगे। हाँ और वो एक प्रकार का अच्छा सा मिलेगा, तो दाएं तरफ जाना, सीधा जाना भी यही था उनका सिलतरा ही ये बस्ती का नाम होगा। सिलतरा यहाँ से काफी सामने में ही था। अब हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से, अब इधर ही बोले हैं जाने के लिए। वो आज भी छत्तीसगढ़ का थोड़ा बहुत रहन सहन घर द्वार सब कुछ आप देख सकते हैं। हमारे बुजुर्ग भाई ठीक, और इनको जो भी जानकारी चाहिए था, मेरा जो कार्य था किसी को आगे बढ़ाने का। तो गुरु भाई आज का यात्रा कैसा रहा हम दोनों का? जैसे कि हम लोग सुबह करीबन 7 बजे हम लोग निकले थे घर से, तो हम लोग 6 बजे ही निकल चुके थे, लेकिन 7 बजे ट्रेन था, है ना? तो उसके बाद देख सकते हैं कि अभी रात्रि को लगभग समय है आपका 11:22 और मैं निकला था सुबह करीबन 6 बजे घर से और 7 बजे बिलासपुर से ट्रेन था और अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। तो पूरा यात्रा कैसा रहा गुरु भाई, कैसा लगा? काफ़ी रहा, जैसे मेरे मन में सवाल के जुड़े थे, उन सवालों का बड़ी सरलता से गुरु भाइयों से और अन्य शिष्यों से गलती होती है, उन चीज़ों का बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उत्तर दूरदर्शियों का। चलिए ठीक है, आप पूरा वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय निखिलेश्वर, जय महाकाल, जय गुरु।